हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पिछली जो अपनी क्लास थी इसमें हमने संधारित्र पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, आज हम इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका ये ज़्यादा दिन का चैप्टर नहीं रहा, शायद 2 वीडियो में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित स्थिति ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो आपको समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित स्थितिज ऊर्जा का बच्चों मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, जहां जहां विद्युत क्षेत्र होता है ना वहां वहां स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं समांतर प्लेट संधारित्र है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, और जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लेटों के मध्य होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों। अगर आपसे कहे बाहर प्लेटों के बाहर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, जीरो, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो बच्चों। और प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जो होता है अगर वायु है तो विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये सब आप जानते हो। तो जहां जहां विद्युत क्षेत्र होगा वहां वहां क्या होगी, ऊर्जा होगी। तो ये एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा को समेटती है। ठीक है, ऊर्जा को बिखेरती नहीं है, ऊर्जा को समेटती है। जैसे आपको मैं कहूं, जैसे मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या सब जगह है, सब जगह विद्युत क्षेत्र है। तो इसके कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा है सब जगह है, क्योंकि इसकी जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है पॉजिटिव आवेश का, क्योंकि जहां जहां विद्युत क्षेत्र होगा वहां वहां स्थितिज होगी। तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो अनंत तक है, तो इसकी स्थितिज फैली हुई है। जैसे आप कहो ना एक पानी है, एक बाल्टी पानी है, पानी में बाल्टी लिया वो आपने फैला दिया, पानी तो है बट वो पानी आपको काम का नहीं है क्योंकि वो फैला हुआ है, वो आप उसे स्टोर नहीं कर सकते, कोई यूज में नहीं ले सकते कि वो पानी क्या फैला हुआ है। अगर आप रोड पर पानी फैला दो तो वो क्या है, फैला हुआ पानी, तो वो आपके काम का नहीं है। पानी है बट वो काम का नहीं है क्योंकि वो फैला हुआ रोड पर। तो ये जो आवेश है, आवेश कारण क्या विद्युत स्थिति ऊर्जा है, क्योंकि जहां जहां विद्युत क्षेत्र होगा वहां वहां क्या होगी, विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। तो बट इसी कारण विद्युत ऊर्जा क्या है, फैली हुई है। पानी में ठीक है फैल, जब पानी फैला हुआ है तो इस तरीके से ऐसे इसकी स्थिति ऊर्जा फैली हुई है जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्थिति ऊर्जा हमारे को काम के नहीं, स्टोर नहीं कर सकते। अब हमें स्थिति ऊर्जा को स्टोर करना है, तो आप जैसे पानी को स्टोर करने के लिए क्या करते हो, बाल्टी का यूज करते हो। तो आप पानी क्या करते हो, बाल्टी में भर लेते हो। तो जो बाल्टी में पानी है वो आपके काम का है क्योंकि आपने उसको स्टोर कर लिया। तो उसी तरीके से स्थिति ऊर्जा को ठीक है स्टोर करने के लिए, ठीक है उसे संचित करने के लिए आपने जो युक्ति बनाई है उस युक्ति का नाम क्या, संधारित्र है। तो ये संधारित्र आपकी पानी रूपी बाल्टी है बेटा, संधारित्र की आपकी एक पानी रूपी बाल्टी है। जिस तरीके से बाल्टी में हम लोग पानी संचित करते हैं उसी तरीके से संधारित्र के अंदर हम क्या करते हैं, ऊर्जा को एक फिक्स रीजन में, ऊर्जा को एक फिक्स रीजन में स्टोर करके रखते हैं। तो ऊर्जा को एक फिक्स रीजन में, एक फिक्स रीजन मतलब फिक्स क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में स्टोर करके रखने वाली इस युक्ति का नाम क्या है, संधारित्र। तो ध्यान रखना संधारित्र के बाहर विद्युत क्षेत्र जीरो है, तो इसलिए ऊर्जा बाहर बिखरी हुई नहीं है और केवल अंदर ही विद्युत क्षेत्र। तो इसके अंदर ऊर्जा एक निश्चित क्षेत्र में क्या है, स्टोर करती है। तो बेटा ऊर्जा को स्टोर करने वाली ये युक्ति क्या है, आपकी संधारित्र है। तो आपको बताना है कि ये समांतर प्लेट संधारित्र कितनी ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करता है, इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है, ये आपको निकालना है। तो आपका टॉपिक क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों
प्लेटो के मध्य, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटो के मध्य संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो आपको इनकी प्लेटों के मध्य संचित स्थितिज ऊर्जा को का मान बताना है। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें आपने, ये चीज तो मैंने खैर बता दी थी आपको कि इस संधारित्र का हम स्थितिज ऊर्जा संचित करना है। अब कितनी स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर संचित है वो निकालनी है। देखो बच्चों, जब भी हम स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो स्थितिज ऊर्जा निकालने का मतलब है वर्क करना, कार्य करना। ठीक है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जब भी निकाली जाती है उसका एक फॉर्मूला यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर है संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य का नेगेटिव या हमारे द्वारा किए गए कार्य का पॉजिटिव। क्लियर बच्चों, तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको वर्क निकालना पड़ेगा। अब देखो, जैसे ये हमने दो प्लेटें ली, ठीक है, समझो बच्चों ध्यान से, मैं कह रहा हूं एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी दो प्लेट है, शुरू में इन दोनों प्लेटों पर कोई आवेश नहीं है, शुरू में दोनों प्लेटों पर क्या है, कोई आवेश नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी बिना आवेश वाली और ये भी बिना आवेश वाली, तो दोनों पर कितना आवेश है, शून्य, इस पर भी शून्य आवेश और इस पर भी शून्य आवेश, कोई आवेश नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तो इस पे आवेश लाना, क्योंकि ठीक है, जब ही तो स्थिति ऊर्जा पैदा होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र होगा तो स्थिति ऊर्जा होगी, तो मुझे विद्युत क्षेत्र पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्लेट को पॉजिटिव और एक प्लेट को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे एक प्लेट से आवेश तोड़ना पड़ेगा और दूसरे प्लेट को आवेश देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस प्लेट से, मैंने कहा इस प्लेट से मैंने आवेश तोड़ा और इसको दे दिया, तो एक चीज सोचो, जब मैं इसे आवेश तोड़ रहा हूं समझाने के लिए, ये समझाने का तरीका बच्चों, मैं समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इससे डी क्यू आवेश में लगातार तोड़ता हुआ जा रहा हूं मैं। ठीक है, शुरू में क्या है, टी इक्वल टू जीरो पर, शुरू में इस पर भी आवेश जीरो, इस पर भी आवेश जीरो, अब मैंने क्या किया, डी क्यू आवेश तोड़ना चालू कर दिया। अब मैं डी क्यू आवेश तोड़ता लाया, तोड़ता लाया, तोड़ता लाया, तोड़ता लाया, धीरे धीरे एक साथ नहीं, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू आवेश तोड़ते जा रहा हूं और तोड़ तोड़ के मैं लाता गया, तो टी जीरो पर तो कोई आवेश नहीं। जब मैंने टी समय पर देखा, मैंने क्या देखा, टी समय पर, किसी समय टी पर, टी समय पर मैंने क्या देखा बच्चों, कि इससे डी क्यू आवेश लगातार तोड़कर इधर जा रहा है, डी क्यू आवेश लगातार तोड़ते हुए जा रहा है और इस पर आवेश आता जा रहा है, तो इस पर डी क्यू आवेश आता जा रहा है, मतलब इस पर आवेश बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो रही है, पॉजिटिव आवेश, और इससे आवेश निकल रहा है घट रहा है, तो इस पर क्या गया, नेगेटिव आवेश, ऐसा समझो, है ना, इससे पॉजिटिव इस पर आ गया और इस पर पॉजिटिव घट गया, तो इस पर क्या गया, नेगेटिव और इस पर क्या गया, पॉजिटिव। अब डी क्यू लगातार तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, एक्चुअल में डी क्यू कौन तोड़ रहा है, ये डी क्यू बैटरी तोड़ रही है, ठीक है ना, एक्चुअल में इनको आवेशित कौन करती है, अब ऐसा थोड़ी है ये समांतर प्लेट संधारित्र है ये आवेशित हो गई, हम क्या करते हैं इसको बैटरी जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ने में क्या होता है, इस पर पॉजिटिव आवेश, इस पर नेगेटिव आवेश, बैटरी क्या काम करती है, एक्चुअल में जो ये तोड़ने का काम है, एक्चुअल में ये काम कि इससे आवेश तोड़ना इसको देना, ये काम कौन करती है, बैटरी करती है। रियलिटी में क्या होता है, बैटरी क्या करती है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेती है और इसको देती है, समझो, है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन आया इस पे गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉनों कमी हो गई, तो पॉजिटिव आवेश, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पे नेगेटिव आवेश, बट समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह बता दिया। तो ये डी क्यू आवेश लगातार हम तोड़ते जा रहे हैं और इसको देते जा रहे हैं, तो ये काम बैटरी कर रही है आवेश के तोड़ने का। क्लियर बच्चों, तो बैटरी मतलब एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है, तो अब मैंने जब टी समय पर देखा, मैंने क्या देखा, इस पर कितना आवेश आ गया, क्यू, इस पर कितना आवेश आ गया, माइनस क्यू, और इसका विभवांतर कितना, वी डैश, इस समय इसका विभवांतर कितना है, वी डैश है। क्लियर, अब ये काम करते गए करते गए करते गए, और जब मैंने लास्ट में देखा, अंत में, जब ये मेरा संधारित्र पूरी तरह से आवेश हो गया अंत में, तो अंत में क्या देखा मैंने, कि अंत में जब ये पूरी तरह से आवेश हो गया, जब जब ठीक है, तो इस पर कितना आवेश आ गया, प्लस क्यू, और इस पर कितना आवेश आ गया, माइनस क्यू, और इसका जो अंतिम विभवांतर वो क्या हो गया, वो वी हो गया। ठीक है, तो बैटरी ने क्या काम किया, बैटरी कितने, बैटरी ने क्या काम किया, जिस पर जीरो आवेश था, शुरू में कितना आवेश था, जीरो, लास्ट में जो कितना आवेश दिया, क्यू, तो जीरो से कैपिटल क्यू आवेश तक आवेशित करने का कार्य किया बच्चों किसने, बैटरी ने। तो बैटरी ने क्या काम किया, इस समांतर प्लेट संधारित्र को जीरो से कैपिटल क्यू आवेश तक आवेशित करने का कार्य किया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना, बैटरी द्वारा संधारित्र को जीरो से कैपिटल क्यू आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य आपको निकालना है। ठीक है, तो ये कार्य निकालना, तो अंत में विभवांतर कितना होगा बच्चों, इसका वी हो गया। क्लियर, टी इक्वल टू जीरो पर ये स्थिति है, टी समय पर ये स्थिति है, ठीक है, और अंत में इस पर यह आवेश हो गया, तो आपको निकालना। तो बच्चों अब कैसे निकालेंगे, अब जो कार्य का जो फॉर्मूला होता है, कार्य का फॉर्मूला आवेश वाले पार्ट में, ध्यान रखना, आवेश वाला पार्ट हो और कार्य निकालना हो तो एक ही फॉर्मूला, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू बटे वी, क्यू क्या है,
जिस आवेश को ले जा रहे हो वो क्यू है और वी क्या है, उस समय जो विभांतर है, जिस जगह ले जा रहे हो उसका जो विभांतर है, जिस प्लेट पर ले जा रहे हो, मैं इस प्लेट पर ले जा रहा हूं तो इसका जो विभव है, उसका जो विभव है वो क्या होगा, वी। तो बच्चों अब जैसे मैं कह रहा हूं किसी समय टी पर, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि क्यू एक जैसा नहीं है हर समय, क्यू आप डी क्यू डी क्यू आवे ले जा रहे हो, बट विभव क्या है हर जगह में एक जैसे थोड़ी है, विभव का मान क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। तो जब आपका चेंज हो रहा है तो आप कार्य कैसे ज्ञात करोगे, आप पहले छोटा कार्य निकालोगे फिर इंटीग्रेशन करके बड़ा कार्य निकालोगे। तो मैंने कहा माना किसी समय स्मॉल टी पर संधारित्र का विभवांतर कितना है, संधारित्र की प्लेटों में विभवांतर कितना वी है, ठीक है। आप ये चीज लिखो बेटा, आप लिखोगे इस तरीके से, माना किसी समय स्मॉल टी पर संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर वी डैश है, तो डी क्यू आवे तो डी क्यू आवेश को एक प्लेट से संधारित्र को डी क्यू आवेश, तो डी क्यू आवेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक। मैंने कहा माना किस समय टी पर संधारित्र प्लेटों पर मध्य विभवांतर वी डैश है, वह आवेश क्यू है, ठीक है। तो डी क्यू आवेश, तो डी क्यू आवेश एक प्लेट दूसरी प्लेट तक ले जाने पर बैटरी द्वारा किया गया कार्य। तो बेटा छोटा कार्य होगा तो डी डब्ल्यू कितना होगा, जिस आवेश को ले जा रहे हो वो आवेश कितना आवेश ले जा रहे हो उस समय, डी क्यू आवेश ले जा रहे हो, कितना विभवांतर है वी डैश, क्लियर। अब देखो इसकी धारिता फिक्स होती है, मैंने बताया धारिता आवेश विभव पर निर्भर नहीं करती, मैं कह रहा हूं इसकी धारिता कितनी है, सी है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आवेश और विभव के मान पर निर्भर नहीं करती, ये आपको मैंने बताया हुआ पहले, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इसकी धारिता सी है। तो बच्चों डी डब्ल्यू कितना आ गया आपका, डी क्यू इंटू वी डैश, वी डैश कितना होगा बच्चों, विभवांतर क्या होगा, क्यू बाई सी, ठीक है। तो कितना कार्य किया आपने, तो डी डब्ल्यू कितना आया, कार्य कितना हो गया, क्यू बाई सी डी क्यू, डी डब्ल्यू कितना हो गया, क्यू बाई सी डी क्यू, क्लियर। ये कार्य हुआ, तो कुल कार्य क्या होगा बच्चों, कुल कार्य कहां से, ये तो छोटा कार्य निकाला आपने क्योंकि v इक्वल टू था q बाई सी, तो जिस इस समय इस पर विभवांतर आवेश कितना q, इस धारिता कितनी है c, तो v डैश क्या हुआ q बाई सी। तो आपको संधारित्र कहां से कहां तक करना, तो dw आपका ही आ गया, तो संधारित्र को जीरो से कैपिटल q आवेश तक आवेशित, संधारित्र को जीरो से कैपिटल क्यू आवेश तक आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। तो क्या हुआ, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कुल कार्य क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई सी डी क्यू, कहां से कहां कर रहे बच्चों, जीरो शुरू में कितना आवेश है जीरो, लास्ट में कितना हो गया कैपिटल क्यू, तो लिमिट क्या हो गया आपकी जीरो से कैपिटल क्यू, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम इसे, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, वन बाई सी बार इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू, लिमिट जीरो से कैपिटल क्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हुआ, वन बाई सी बार क्यू डी क्यू, क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाई टू, जितनी इंटीग्रेशन करना आता होगा आपको, जितनी पावर होती है वन एड करते हैं, कितनी पावर है वन, वन एड करिए टू, लिमिट जीरो से
कैपिटल क्यू। क्लियर, यहां तक नोट कीजिए सारा कुछ जितना कराया है अपना अच्छे तरीके से। हाँ जी, तो अब देखो बच्चों, अब आप कार्य कितना आया, डब्ल्यू कितना आया, वन वाई सी बार जो क्यू है इसको हटाएंगे, ऊपर वाला क्यू लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बाई टू माइनस इस क्यू को हटाएंगे, नीचे वाला जीरो लिखेंगे, जीरो। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया आपका, वन बाई सी क्यू स्क्वायर बाई टू। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो ये क्या गया, समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ठीक है, नोट करो बच्चों। अब देखो, अब हम क्या बोलेंगे, जो ये कार्य है, ठीक है, हम लिखेंगे यही कार्य समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, की प्लेटों के मध्य, यही कार्य समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा, के रूप में संचित हो जाएगा। यही कार्य समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों में क्या हुआ, विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आपको बेटा विद्युत स्थिति का फॉर्मूला क्या आ गया, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ठीक है, तो ये होती है विद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला, यू इक्वल टू क्या होता, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। बच्चों क्लियर, अब देखो एज, बच्चों क्यू इक्वल टू क्या होता आपका, सी वी आप सब जानते हो। तो यहां से यू की वैल्यू कितने आ गई, क्यू जगह रख दिया, सी वी का स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी, तो कितना आ गया, वन बाई टू सी इंटू सी स्क्वायर वी स्क्वायर, इसे कैंसिल, तो यू इक्वल टू कितना हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित स्थिति ऊर्जा आप ये भी लिख सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हो बच्चों। क्लियर, अब देखो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, ये सारा कुछ आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो यहां से यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर ले सकते हो आप, सी वी इंटू वी, तो यू इक्वल टू हाफ सी वी क्या ले सकते हो बच्चों आप, क्यू इंटू वी। तो स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला आपका ये आ गया, हाफ क्यू वी। ठीक है, तो आपके पास स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के तीन फॉर्मूले हैं, यू इक्वल टू एक क्या होता आपका, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, दूसरा क्या आपका, हाफ सी वी स्क्वायर, और तीसरा क्या बच्चों आपका, हाफ क्यू वी। ये है आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई टू सी और वन बाई टू क्यू वी। बच्चों ठीक है, तो यहां तक की सारी चीजें आप नोट कीजिए, इससे आगे की चीज आपका एक दो टॉपिक रह गए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ाऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय। ठीक है, यहां तक की सारी चीजें आप नोट करें, एक से ध्यान रखना, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ये कोई स्थिति ऊर्जा केवल संधारित्र के नहीं है, कोई भी चालक, अगर आपसे कहे ना कोई भी चालक, कोई भी गोलीय चालक हो, कोई भी चालक वस्तु हो, हर चालक वस्तु पर जो स्थिति ऊर्जा होती है, हर अगर मैं किसी भी चालक को क्या करता हूं, आवेशित करता हूं, तो हर चालक वस्तु को आवेशित करने पर जो स्थिति ऊर्जा आती है बेटा, वो यही आती है। किसी चालक की भी कहे आपसे, तो चालक की भी स्थिति ऊर्जा यही है, हाफ सी वी स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर बाई टू सी, या वन बाई टू क्यू वी, और या समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य स्थिति ऊर्जा की बात करें, कि संधारित्र
समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित स्थितिजा कितनी है, तो भी कितनी होगी आपकी, यही क्यू स्क्वायर बाई टू सी हाफ सी वी स्क्वायर वन बाई टू क्यू बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय। इससे आगे चीज नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।